राम राम भाई सारे। तो आप सबका स्वागत है एक और नए फूड ब्लॉग में। मेरा नाम है सुमित और आज मैं आया हूँ डोगरा डाक खाना में। यहाँ पर जो है आंटी ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाती है बड़ा ही टेस्टी सा डोगरे में डोगरी खाना। तो अभी फटाफट चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं इसकी मेकिंग। ये आंटी कितने मस्त तरीके से, और इसकी यहाँ की एक और स्पेशलिटी है कि यहाँ पर जो भी बनता है आपके सामने बनेगा, आपके सामने आटा गूंदा जाएगा, आपके सामने उसको फ्रेश तरीके से बनाया जाएगा। फटाफट चलते हैं अंदर और आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। तो लेट्स गो। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपके सामने ही जो है मक्की के आटे को छान के गूंद के आपके सामने फ्रेश तरीके से जो है वो आपके लिए मक्की का टोडा या कोई भी डिश होगी आपके सामने एकदम साफ तरीके से बनाई जाएगी। तो यहाँ पर जो अपनी थाली बनके हो चुकी है रेडी। यहाँ पर आ गया अंबल, चटनी, साग, दाल और क्यूर। तो यहाँ पर आ गया हमारा ऊपर से टोडा और इसके ऊपर लग रहा है ये देसी घी। तो जो इनकी क्वालिटी है वो तो दिखने में बड़ी अच्छी लग रही है। तो अब करते हैं इसको फटाफट टेस्ट और आपको बताते हैं कि ये बना कैसा है। तो लो जी, यहाँ पर आ चुका है अपना डोगरी खाने की थाली। तो अभी फटाफट करते हैं इसको ट्राई। इसमें आपको पहले बता देता हूँ मेरे को जैसे मिला है यहाँ पर मक्की का टोडा और एक क्यूर हमने जो यहाँ पर अपना लगवाया है, साथ अंबल, अनारदाने और दही की चटनी, सरसों का साग और दाल। तो अभी करते हैं इसको फटाफट ट्राई। तो पहले मैं ले लेता हूँ इसको यहाँ से मक्की के टोडे के साथ जो है मेरा फेवरेट जो है सरसों का साग, इसके साथ इसको करते हैं ट्राई। ये खा के ना जैसा मेरी मम्मा बनाती है ना घर पे सर्दियों में मक्के की टोडी सरसों का साग, दादी मेरी बनाती थी तो सेम वही टेस्ट है पुराना डोगरी स्टाइल में जैसे बनाती थी। और हम नानी के घर भी जाते थे तो वहाँ से सेम वही टेस्ट है, कोई चेंज नहीं है। जैसे आपको लग रहा है कि हम फेंक लेंगे कुछ भी, बिल्कुल वैसा नहीं है, बिल्कुल वही प्रॉपर टेस्ट है। तो अभी करते हैं इसको ख़त्म और क्यूर की बारी। पहले एक बार सादी नॉर्मल क्यूर खाते हैं, उसके बाद इसको चटनी में डिप करके खाऊंगा मैं। बिल्कुल क्रंची ना क्यूर बना हुआ है, मेरे मुंह से नान निकल रहा। मैंने इतनी सारी नान वाली वीडियोस कर चुका हूँ ना तो अब मेरे मुंह में नान चढ़ चुका है। तो इसका जो क्यूर का टेस्ट है ना बिल्कुल क्रंची बना हुआ और सॉफ्ट एंड क्रंची टाइप का, बिल्कुल सही जैसे हम घर पे बना के खाते हैं अपने मम्मी के हाथ के। चॉप करते हैं इसको चटनी के साथ ट्राई। चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लग रहा है। तो अगर आपको भी एक बार ये थाली ट्राई करनी है तो प्लीज यहाँ पर आकर जरूर एक बार ट्राई करना। इसका रेट 50 रुपीज अभी बताते हैं, बोलना इसका रेट अभी आपको आंसर पूछ के हम बताते हैं कि उनको ये कितने की पड़ी है थाली टोटल। तो आप भी एक बार जब जरूर इस एरिया में आए तो एक बार जरूर ट्राई करें। आपको लोकेशन वगैरह अभी पूरा अच्छे डिटेल में आंटी से खुद आप सब पूछ के बताएंगे, आंटी खुद बताएंगे आपको लोकेशन, क्योंकि काफ़ी सारे एक दो रिलेटर्स ने बताया कि ये जो है मंथल से 2 किलोमीटर पहले पड़ता है, लेकिन ये उतना पहले नहीं है, मंथल के बिल्कुल पास में ही है। तो हम आपको लोकेशन नहीं बताएंगे, आंटी जो जो ये बनाते हैं, जो ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं अपना ढाबा, वो आपको खुद अपने मुँह से बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ आगे ब्लॉग में। हाँ जी, तो भाई हमने यहाँ पर कर दिया अपना जो थाली थी वो ख़त्म। तो ये हमको थाली पड़ी थी 90 रुपये की। भाई हमको तो इतनी टेस्टी थाली 90 रुपये की अगर जम्मू में कहीं मिल जाए ना तो वर्थ है। तो कसम से कह रहा हूँ एक बार ज़रूर आके ट्राई करना। और भाई जो हमने थाली ली ना यहाँ पर, उसमें हमने लिया था एक क्यूर, एक टोडा, साथ में हमको मिला अंबल, चटनी, सरसों का साग और दाल। तो इसकी हमको कीमत पड़ी थी 90 रुपये की। तो अब रही बात इसकी लोकेशन की, तो चलते हैं आंटी के पास और पूछते हैं इसकी लोकेशन कहाँ पर पड़ती है प्रॉपर। हाँ वो ले लेंगे। तो यहाँ पर जो अंदर बन रही है क्यूर, वॉइस ओवर भी देना है, ब्लॉग है, शॉर्ट्स थोड़ी है। क्या बात कर रहे हो यार भैया। तो ये देखिए इस समय जो है टोडे तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए मैम से बात करते हैं। मैम अगर किसी ने यहाँ पे आना होगा तो लोकेशन क्या पड़ती है? मंथल नेशनल हाईवे। मंथल नेशनल हाईवे, हाईवे पे। तो आपने ये कब से स्टार्टअप किया है इसका? ये 3 महीने हुआ अभी। 3 महीने। तो आप यहाँ पे क्या क्या मतलब सर्व कर रहे हैं? इधर बनाते हैं मक्की की रोटी बनाते हैं। हाँ जी। सरसों का साग है। हाँ जी।
साथ में दाल है, अम्बल है, मतलब सारे जो डोगरी चीजें होती है वो आप यहाँ पे। हाँ, पूरी इधर। और क्यूर भी रखा हुआ है? क्यूर भी बनाते हैं, लस्सी है। अच्छा, लस्सी भी रखी हुई है? हाँ जी। क्या बात है। तो यहाँ पे एक आप थाली वगैरह भी कोई देते हैं? हाँ जी। थाली का क्या रेट रखा हुआ है? 100। उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक मक्की की रोटी, दो मक्की की रोटी है। हाँ जी। तो साथ में क्यूर है। हाँ जी। और दही और पूरा। क्या बात है, बहुत अच्छा कॉम्बो। नादाने की चटनी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर ये किसी ने यही खाना होगा, ये एक पीस, ये कितने का पड़ता है? ये 15 का पड़ेगा। 50 50 का? हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आपने लोकेशन देख ली है। अगर आप कभी विजिट करना चाहते हैं तो फटाफट से इस लोकेशन पे आ सकते हैं, मंथल लोकेशन पे। तो भाई यहाँ पर तो अपना हो चुका आज का कोटा पूरा। हम आए थे डोगरे का खाना में, तो यहाँ की हमने थाली कर ली, आपको बता दिए कि कैसा बनता है। एक बार जब आप भी मंथल आएँ तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आकर इनकी थाली ट्राई करना। और बाकियों की लोकेशन पे ध्यान मत देना इतना कि 2 किलोमीटर दूर है कि 4 मीटर दूर है। ये मंथल में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है मंथल से। जहाँ पर 4 की दुकानें हैं मंथल की, वहाँ से पहले ही है, तो 500 मीटर पहले आप उसको राइट साइड में देखोगे तो वहाँ पर इनकी दुकान है। तो एक बार जब आप मंथल आओ तो प्लीज़ इनको पूरा सपोर्ट करना, अपने डोगरे कल्चर को सपोर्ट करना हमने। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको किसी और दिन नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।